यस हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन बीम्स। बीम्स की क्वांटिटी मालूम कैसे निकाले थे मालूम है सबको? यस सर। ठीक है, तो सेम वे वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब्स। ठीक है ना, स्लैब के अंदर भी क्वांटिटीज होती है एज यू ऑलरेडी नो। वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब। थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ स्लैब थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा आरसीसी के हिसाब से एंड डिसाइड वेदर इट हैज बीन अ टू वे स्लैब और वन वे स्लैब। ठीक है ना, वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है ये भी डिसाइड करना है आपको। और उसके एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील वेदर इट इज टू वे और वन वे। उसके हिसाब से वी हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल फिगर एंड टू फाइंड आउट द क्वांटिटी, मतलब उसकी लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ स्टील कटिंग लेंथ निकालना है और एज यूजुअल क्वांटिटी ऑफ स्टील जो भी मतलब 10 mm बाज है या फिर जो भी है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट क्वांटिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम। हियर द एग्जांपल इट हैज बीन गिवन, आरसीसी स्लैब ऑफ क्लियर साइज 3.1 by 6.3 इज रेनफोर्स विथ 10 mm डायमीटर बाज विथ स्पेसिंग ऑफ 120 mm सेंटर टू सेंटर, अल्टरनेट बाज बेंट अप। ठीक है, नेक्स्ट दैट मीन्स मेन बार साइज कितना है, देखो साइज इज 10 mm एंड मेन बार्स का स्पेसिंग इज 120 mm। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर 8 mm डायमीटर्स स्पेसिंग ऑफ 130 mm सेंटर टू सेंटर। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की डायमीटर 8 mm है और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 130 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, वॉट अबाउट द थिकनेस ऑफ स्लैब, तो थिकनेस ऑफ स्लैब इज गिवन एज 130 mm। बियरिंग ऑफ स्लैब इज 150 mm ईच साइड। दैट मीन्स बियरिंग क्या है कि जैसा आपने ये कंसेप्ट देखे होंगे, इट हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड इन बीम्स आल्सो। बियरिंग जो रहता है सपोर्ट एक तरह से रहता है ना, तो बीम का कैसा दो ही एंड था तो इसलिए दोनों तरफ सपोर्ट था, बट यहाँ पे स्लैब चारों एंड पे रेस्ट होगा तो इसलिए चारों तरफ से आपका बियरिंग्स रहेगा 150 mm ईच ऑल साइड्स। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब दैट इज 130 mm एंड बियरिंग ऑफ स्लैब इज 150 mm ऑन ईच साइड। Calculate the quantity of steel and draw the bar bending schedule. ठीक है, तो ये question clear है सबके लिए? Yes. Yes sir. हाँ, अब ये question से related आपको एक figure draw करना है। तो here we have already drawn a small figure, है ना? ये figure बहुत ज़्यादा important है। ये figure आपको explain करेगा कि how it has been placed and how to find out the quantities. तो सबसे पहला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब, बताओ वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस रहता है? हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर स्लैब इज वन वे और दिस पर्टिकुलर स्लैब इज टू वे, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप बताओ? यस सर, एल बाय बी रेशियो से। एल बाय बी, यस, अगर ठीक है एल बाय बी रेशियोस। ठीक है, तो एल बाय बी कितना रहेगा तो वन वे रहेगा और कितना रहेगा तो टू वे रहेगा? तो टू से ज्यादा रहा तो वन वे रहेगा। टू और टू से ज्यादा, टू और टू से ज्यादा रहेगा तो वन वे रहेगा और कम रहेगा तो क्या रहेगा? टू वे रहेगा। ठीक है, ये चीज डिसाइड हो गई है कि दो अगर आती है और दो से ज्यादा होता है तो वन वे हो जाएगा और दो उससे कम होता है तब रहेगा क्या रहेगा? टू वे रहेगा। ठीक है ना, ये एक चीज हो गई, एक कंसेप्ट से अपन मालूम कर सकते हैं, आरसीसी में भी यूज किया होगा। अब ये डिसाइड करो कि वेदर दिस पर्टिकुलर स्केच और वेदर दिस पर्टिकुलर डाटा इट रिप्रेजेंट्स वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो सिंपल वे में याद रखो दिस इज एल वाई बाय एल एक्स। ठीक है ना, एल वाई बाय एल एक्स। ठीक है, तो एल वाई बाय एल एक्स और एल बाय बी जो बोल रहे हैं ना आप, वो भी कंसेप्ट है ना। एल बाय बी इज नथिंग बट लेंथ बाय विड्थ। अब लेंथ इसमें क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस केस? तो लेंथ इन दिस केस इज 6.3 और width in this case is 3.1. तो बताओ 6.3 divided by 3.1 कितना होगा? Yes? कितना होगा बोलो? 2.03. Yes, 2.03. तो it is equal to 2, है ना? 2 और 2 से less हो जाएगा, मतलब तो क्या होगा? One way रहेगा, ठीक है? तो it is value of this is 2.0322. That means it is a one way slab, ठीक है ना? ये क्या है? One way slab है, because as per the dimensions जो ऊपर given है, clear span के dimensions से we have decided that this particular figure or this particular question it comes under the
वन वे स्लैब, ठीक है। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है क्या? यस हाँ सर, ठीक है, तो वन वे स्लैब हो गया डिसाइड, ठीक है। अब वन वे डिसाइड, अपने डिसाइड कर दिए कि दिस स्लैब इज वन वे। अब वन वे में ये चीज रहती है कि वन वे में बेंट अप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है, ठीक है। वन वे स्लैब में क्या होता है कि ओनली इन वन डायरेक्शन इट हैज बीन प्रोवाइडेड। अब कौन सा डायरेक्शन में बेंट अप रहेगा? टू वे में तो सिंपल रहता है, टू वे में क्या रहता है कि एक्स डायरेक्शन में भी प्रोवाइड होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है, टू वे में दोनों तरफ बेंट अप होता है। बट वन वे में होता है एक ही तरफ बेंट अप। बट वन वे में जब एक तरफ बेंट अप होता है तो कौन सी साइड में बेंट अप होगा ये भी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि अलोंग एक्स डायरेक्शन इट विल बी बेंट अप और अलोंग वाई डायरेक्शन इट विल बी बेंट अप। तो बताओ कौन से डायरेक्शन में बेंट अप रहेगा? डायरेक्शन हाँ, अलोंग द लेंथ, दैट मींस अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में बेंट अप होता है, ठीक है। अब देखो ये कवर जो हो रहा है, देखेंगे आप वाई डायरेक्शन को कवर कर रहा है, बेंट अप डालते 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 आप कहाँ जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। मगर एक्चुअल जो लेंथ है वो एक्स डायरेक्शन है, बेंट अप की एक्चुअल लेंथ इट हैज बीन टेकन अलोंग एक्स डायरेक्शन से। ये एक्चुअल में कैसा है कि ये बेंडिंग का कंसेप्ट है। आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि बेंड कहाँ पे होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, हो रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन जो है बड़ा है और एक्स डायरेक्शन कम है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन कम है, वाई डायरेक्शन में कर्सर हो रहा है ना, वाई डायरेक्शन जो है वो बड़ा है, एक्स डायरेक्शन कम है। तो जो बड़ा है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग बेंट अप इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन को बेंट अप को अवॉइड करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग, होल्ड करने के लिए एक्स डायरेक्शन, बट इट विल एक्स डायरेक्शन के लेंथ में प्रोवाइड हो रहा है एंड इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि बेंट अप कौन से डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यस सर, यस यस सर, हाँ, ये चीज आपने साइट पे भी देखे होंगे, ये ना बेंट अप कहाँ पे प्रोवाइड करना है, यही ये भी एक थोड़ा सा एक लॉजिकल वे है, और क्यों वही डायरेक्शन में होता है उसका रीजन भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू डिसाइड, सबसे पहले तो चीज है कि व्हाइल फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि वेदर इट इज अ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट चीज ये है कि जब डिसाइड हो गया कि वो वन वे है, तो वन वे होने के बाद कि बेंट अप कौन से डायरेक्शन में रहेगा, वेदर इट विल बी प्रोवाइडेड अलोंग एक्स एक्सिस और वेदर इट विल बी प्रोवाइडेड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस के लेंथ में बेंट अप प्रोवाइड हो रहा है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल वे में, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेप दिख रहा है, अल्टरनेट बेंट अप में शेप कैसा रहता है, देखो एक बेंट अप राइट साइड, एक बेंट अप लेफ्ट साइड, नेक्स्ट वही रिपीट होगा, राइट साइड बेंट अप, लेफ्ट साइड बेंट अप, राइट साइड बेंट अप, लेफ्ट साइड बेंट अप एंड सो ऑन अप टू द लास्ट तक, ठीक है, लास्ट। वैसे उसको होल्ड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगेगा, आपको होल्ड करने के लिए क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस। अब अपने यहाँ से, अब ये डायरेक्शन भी हो गया, इसका छोटा सा फिगर भी ड्रॉ किया अपने। अब एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये स्टेटमेंट जो बियरिंग्स वाला, बियरिंग ऑफ स्लैब इज 150 mm ईच साइड, दैट मींस मैंने क्या किया यहाँ पे, डॉटेड लाइन जो इंडिकेट किया वो ओरिजिनल साइज इंडिकेट किया, दैट इज 3.1 by 6.3, बट डॉटेड के बाहर में जो डार्क लाइन इंक्लूड हुई आउटर साइड में, वो बियरिंग्स बताया, देखो यहाँ पे 150 लिख के सारो सारे तरफ से बियरिंग्स हो गई, तो दैट मींस रिवाइज लेंथ बन गई एलेक्स की 3100 प्लस प्लस ट्वाइस द बेयरिंग्स ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसा बन गया रिवाइज लेंथ हो गई 310 की रिवाइज बन गई 3400। वैसी 6.3 की रिवाइज लेंथ बन गई, दोनों तरफ की बेयरिंग्स लेंगे आप तो बनेंगे 6600, 6600। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एक चीज ये कंटेंट्स में गिवन नहीं है, क्या नहीं है बताओ, बताओ। यस, विच थिंग इज नॉट मेंशन इन दिस फिगर और इन दिस क्वेश्चन दैट हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशंस, क्या गिवन नहीं है इसमें? यस, क्या गिवन नहीं? स्पेसिंग
स्पेसिंग इज गिवन फॉर मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, यस दोनों का यस 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 सर। यस कोई अभी बताया था, कवर कवर यस कवर इज नॉट मेंशन, ठीक है। तो दैट मींस ऐसा नहीं है कि कवर इट हैज नॉट बीन मेंशन तो दैट वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वी हैव टू अज्यूम द कवर ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो यो वी आर अज्यूमिंग द कवर, अज्यूम कवर ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल साइड्स कितना लेंगे? अब ये कौन डिसाइड करेगा बताओ, कौन डिसाइड करेगा? आईएस कोड डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ट्वेंटी कितना कवर रहता है एज पर आईएस कोड? टू आईएस कोड ट्वेंटी पर फाइव के बीच में, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के बीच में। 15 mm फॉर स्लैब। मैंने पिछले बार बताया था बीम्स के लिए कहाँ से कहाँ तक रहता है, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव। 20 से 25। यस। तो स्लैब भी 20 से 25 रहेगा तो रहेगा स्लैब के लिए 15 रहता ना सर। ठीक इट विल बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20, 15 से mm से लेके 20 mm तक रहेगा, क्योंकि स्लैब की थिकनेस कम रहती है। अगर आप कवर ही ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। बीम ज्यादा रहता है, डेप्थ डेप्थ बीम बीम की देखेंगे आप, विड्थ और डेप्थ एज कम्पेयर टू स्लैब ज्यादा होती है, तो इसलिए उसका कवर भी ज्यादा रहता है 20 से लेके 25 तक। वैसी स्लैब, अब यही केस में देखो स्लैब की थिकनेस कितनी है, 130, तो इसमें आप ज्यादा कवर नहीं दे सकते। और वैसे भी प्रोविजन ऑफ कवर एज पर आई एस 456 बोलता है कि इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20, तो वी विल टेक एज मिनिमम एज 15, ठीक है ना। तो अपन क्या लेंगे, अपन वी विल टेक एज मिनिमम एज 15 mm ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो मैंने लिखा एज्यूम कवर ऑन ऑल साइड्स एज 15 mm। ये चीज हो गई पहली चीज। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वी हैव टू फाइंड आउट द कटिंग लेंथ, ठीक है। तो कटिंग लेंथ क्या आएगा कि मेन बाज ये जो रहेगा, ये मेन बाज है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन के जो है वो मेन बाज हो गए, और वाई डायरेक्शन के जो हो गए, वाई डायरेक्शन के जो हो गए वो हो गए डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो अब लेंथ ऑफ मेन बार अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ नोटिस मतलब वो पूरा स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखूंगा अब एलेक्स, ठीक है। लेंथ ऑफ मेन बार वी विल डिनोट एज कैपिटल एलेक्स बोल दो उसको, ठीक है ना। तो कैपिटल एलेक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा लेंथ ऑफ मेन बार्स में, बताओ कैसे क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें। यस, एक तो लेंथ होगी बेयरिंग वाली जो अभी कैलकुलेट किए थे, जो स्मॉल लेंथ जो है थी, ये लेंथ इंक्लूड होगी क्योंकि अपन मेन बार्स निकाल रहे हैं, या फिर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे मेन बार में, और सिंपल वे में उसको अपन लिखेंगे मेन बार लेंथ, ठीक है। दैट हैज बीन डिनोटेड बाय एलेक्स, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एलेक्स, क्योंकि अपने पास फिगर में स्मॉल एलेक्स डिनोट कर रहे हैं अपन, तो स्मॉल एलेक्स प्लस क्या इंक्लूड करेंगे बताओ। और यस कैसा प्रोवाइड हो रहा है, देखो कैसा प्रोवाइड हो रहा है, जल्दी बताओ कैसा प्रोवाइड हो रहा है। एक बेंटअप है और दो हुक है, ठीक है ना, दोनों हुक से, एक बेंटअप और दो हुक है, तो टू टाइम्स हुक, हुक का कल बताया था कितना था, 90 डिग्रीज का, 180 डिग्रीज का हुक कितना रहता है, 9 times द डायमीटर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। लेंथ आएगा प्लस टू टाइम्स, वन साइड जो है वो 90 डिग्री नहीं दिख रहा, ये कैसा है, देखो 90 180 डिग्रीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट ये देखेंगे आप थोड़ा सा सी शेप मतलब थोड़ा सा एक सीधा करके दिया उसने बैंड, बट एक्चुअल में कैसा है कि इट इज 180 डिग्रीज ही है, ठीक है। आप उसको ऐसा डिस्टिंग्विश मत करो कि मेन बार थोड़ा अलग शेप में दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार अलग होता है, बट ऐसा नहीं होगा। जो मेन बार के जो हुक है द सेम इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के हुक, है ना, 180 डिग्रीज का ही है। थोड़ा सा उसने मतलब फिगर में ऐसा बता रहा है कि वो स्ट्रेट हो रहा है और कर्व नहीं हुआ, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार कर्व में दिख रहा है आपको, या यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसमें वो नहीं है, बट वी विल टेक एज बोथ हुक्स एज 180 डिग्रीज बेंड। उसके लिए क्या लेंगे, टू इंटू 9 times द डायमीटर माइनस, एक बेंड के लिए कितना लेंगे आप, 0.42 d। यस, 0.42 d, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। अब ये ऐड होगा, ठीक है ना, सॉरी ऐड होगा, और माइनस क्या होगा बताओ, माइनस क्या होगा, कवर। यस, टू टाइम्स कवर, सिंपल, ठीक है। That is equals to, उससे पहले मैं
अभी यहीं पे मैं करता हूँ, इससे पहले मैं कि इससे थोड़ा सा स्पेस देके वी विल फाइंड आउट द इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि अपने पास स्मॉल डी यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल डी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस टू टाइम्स कवर, सिंपल, ठीक है। तो कैपिटल डी कितना है बताओ, बीम का कैपिटल, स्लैब का कैपिटल डी कितना है, डी कितना है स्लैब का, व्हाट इज डी स्लैब का, यस 130, यस 130 गिवन है ना, थिकनेस ऑफ स्लैब 130 mm, ये स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। 130 माइनस टू टाइम्स कवर, अभी अज्यूम किए थे अपन ने 15 ना, उससे पहले स्टेटमेंट में कितना आएगा इफेक्टिव डेप्थ, यस 100 mm आया, 100 mm, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस सर, यस सर, यस सर। 100 mm कैसा आया, समझ में आया, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो 100 mm इज द इफेक्टिव डेप्थ जो फॉर्मूले में यूज हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले लिखना था एक्चुअल में, बट अपने को अभी याद आया, ठीक है, अभी अपन ने उसको इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया। अब एलेक्स, अब एलेक्स देखो रिवाइज कितना है फिगर में, अब सब एमएम में लो, 3400 प्लस 2 टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 इन दिस केस फॉर मेन बार कितना है बताओ, बोलो मेन बार की डायमीटर कितना है, यस जल्दी बताओ मेन बार का डायमीटर कितना है, 10 एमएम, ठीक है, प्लस 0.42 ब्रैकेट में ले लेते हैं, सो दैट कैन 0.42 डी, डी अभी लिए तो इट इज 100 एमएम, ठीक है, अगेन ब्रैकेट क्लोज, और क्या बचा है, दो कवर्स रिमेनिंग है, तो टू कवर्स आर 15 एमएम, कितना आएगा बताओ, 3592 meters, ठीक है, करेक्ट है सबके लिए, यस यस सर, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, चल, तो एलेक्स का आ गया, लेंथ क्या आ गया एलेक्स का, इसको लिख लेंगे अपन, कैपिटल एलेक्स की अभी फॉर्मूले में डालने के बाद लेंथ कितनी आ गई, तो इट इज 3.592 मीटर्स, कोई करेक्शन है इसमें, करेक्ट आंसर, यस यस सर, करेक्ट। नेक्स्ट इज, अब सिर्फ यहाँ पे काम नहीं हुआ आपका, ठीक है, अब ये मेन बार्स जो 3.592 मीटर्स के लेंथ के थे, तो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मेन बार्स, वो कैसे निकालेंगे, यस नंबर ऑफ मेन बार्स कैसे निकालेंगे, कल बताया था नंबर ऑफ मेन बार्स कैसे निकालेंगे, मेन बार्स कैसा प्लेस हो रहे हैं, देखो एक्स डायरेक्शन में है ना, एक्स डायरेक्शन में प्लेस हो रहे, मतलब लेंथ वाइज जो है वो एक्स डायरेक्शन में, बट कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देखो वाई डायरेक्शन का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट मींस नंबर ऑफ मेन बार्स निकालने के लिए आपको लेंथ लेना पड़ेगा एल वाई, ठीक है, तो एल वाई लो, माइनस माइनस क्या लेंगे आप, टू टाइम्स कवर, वाई टू टाइम्स कवर, क्योंकि दोनों तरफ भी स्पेस छोड़ना है आपको, तो टू टाइम्स कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस यस, एल वाई क्यों लिया, एल वाई क्यों लिया, एल वाई क्यों लिया, यस एल वाई क्यों लिया मैंने, एल वाई माइनस टू टाइम्स कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग, वाई वी हैव नॉट टेकन एल एक्स,
एलेक्स एलेक्स क्यों नहीं लिया यहाँ पे, एलवाई क्यों लिया? ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर दिया, एलवाई माइनस टू टाइम्स कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग वाई, बिकॉज अपने पास जो है ये जो है ये लेंथ जो है ना, इट इज ऑक्यूपाइंग द वाई डिस्टेंसेस. ठीक है, तो वाई डिस्टेंस कितना है देखो, 6600 माइनस टू टाइम्स 15. ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज मेन बार स्पेसिंग, बताओ क्वेश्चन में कितना है स्पेसिंग है मेन बार का? 120 mm. यस, 120 mm. कितना आएगा नंबर्स में, करो कल से पे जल्दी जल्दी. 6600 माइनस टू टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 120, कितना आ रहा है? 55 नंबर्स में 55. बट मैंने लॉजिक बताया था एक चीज, जो बीम्स की लॉजिक थी वही लॉजिक यहाँ पे लगेगी, है ना. एक तो राउंड फिगर करना है, ठीक है, प्लस क्या करना है, राउंड फिगर होने के बाद में क्या करना था, प्लस वन. यस, प्लस वन टू बी टेकन, कितना आएगा 56 नंबर्स. ठीक है, प्लस वन भी करना है आपको, ठीक है ना, राउंड फिगर होने के बाद भी इसको आपको प्लस करना है. इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ मैं. ठीक है, तो ये नंबर्स के लिए 54.75 आंसर आया था, दैट मींस 55 राउंड फिगर किए, प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 1 दिए, दैट इज 56 नंबर्स. ठीक है, आ गया सबका, क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन बार्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का अगेन मेरे को लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालूंगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए. अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में कौन से डायरेक्शंस में, देखो एल वाई में है, तो अभी क्या लिखूंगा मैं, एल वाई. ठीक है, प्लस द कंसेप्ट इज सेम जो ऊपर में लिखे थे, वही कंसेप्ट पूरा का पूरा आएगा. ठीक है, तो इसको अपन फिर से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे, कंसेप्ट इज सेम. ठीक है, करेक्ट है? कोई डाउट है इसमें, फॉर्मूले में कोई चेंज करना है? यस, ly इज इक्वल टू ly, दैट इज कैपिटल ly, इसको नाम और अच्छे से दे जाए तो कैपिटल ly है ना, क्योंकि कैपिटल lx बोले थे ऊपर में, तो वी विल हैव एज कैपिटल ly, हियर वी विल हैव दिस एज कैपिटल ly. तो ly बताओ कितना आएगा, तो lx ly कैपिटल ly के लिए ly का डिस्टेंस 6600 प्लस 2 टाइम्स. सर बोलिए सर, ये जो y डायरेक्शन वाले वो तो बेंड अप बार नहीं है सर, कर्व बार है. हाँ, तो 180 डिग्रीज है ना, तो 180 डिग्रीज में, यस बराबर बराबर बराबर, यस इट इज करेक्ट. तो क्या होगा, ये ऐसा फॉर्मूला आएगा. ठीक है, आप करेक्ट है? हाँ सर. हाँ बराबर, तो इसलिए आप लोग अगर प्रेजेंट रहेंगे, तो अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है तो इट कैन बी चेंज, है ना. तो 9 टाइम्स द डायमीटर, अब डायमीटर कितना है बताओ? 8. ठीक है, मैंने बेंट अप का जो था, बेंट का भी मैंने टेस्ट कर दिया था ना, तो बेंट अप नहीं रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या रहता है, बोथ हुक्स आर प्रोवाइडेड और एंड हो गया, नो बेंट अप इज प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि स्ट्रेट रहते हैं ना पूरे, यहाँ से वहां तक पूरी स्ट्रेट लेंथ है, सिर्फ हुक्स प्रोवाइड रहते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ लगती है. तो वो 2 × 9 टाइम्स द डायमीटर, बस इतना अपना एंड हो गया, ये यहाँ पे केस इसका एंड हो गया. तो कितना आएगा बताओ, और सॉरी माइनस कवर करो, माइनस 2 टाइम्स कवर, 6714 कवर भी माइनस कर दिए. हाँ सर, 6714
14.00 mm, ठीक है, दैट मीन्स इट इज 6.714 meters. सबके लिए यही सेम है, बराबर है आंसर 6.714. Yes, sir. अगेन जो कंसेप्ट नंबर्स का था, अब वही कंसेप्ट यहाँ पे फिर से रिपीट होगा, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, यस, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार. अब डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर्स निकालना है तो कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो? यस, एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रहा है ना, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन x स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, x डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो वी विल हैव एज lx माइनस 2 टाइम्स कवर, माइनस 2 टाइम्स कवर, ठीक है, हो गया, और डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, ठीक है, तो lx कितना है 3400, माइनस 2 टाइम्स कवर कितना है 15, डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट द स्पेसिंग फॉर दिस 26.0 or 26, but factor of safety is 1, so that means 27 numbers. Factor of safety is 1, that means 27 numbers. ठीक है, आ गया सबके 27 numbers में, but यहाँ पे मेरे पास end नहीं हुआ है, एक चीज और बाकी है, वो थोड़ा सा logical way है, आप अगर आप सोचेंगे तो वो चीज, वो भी चीज clear होंगे अगर किसी ने slab देखा होगा तो. ये चीज तो as per drawing और as per चीजें, मतलब x direction, y direction में main और distribution तो अपन ने लिख दिए, बट एक्स्ट्रा क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके अलावा भी प्रोवाइड होते हैं, मतलब 27 तो लिख दिया आपने, बट बियॉन्ड दिस सम एक्स्ट्रा बार्स आर प्रोवाइडेड, कहाँ पे होते हैं वो बताओ, कहाँ पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड? यस, कुछ लॉजिक, कहीं ने किसी ने स्लैब देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड होते हैं कहाँ पे? सेंटर में करेंगे, सेंटर में जहाँ बेंटअप होता है वहां से ना सर. हाँ, यस, ये बेंट, ये स्ट्रेट बार्स जो है वो नीचे की तरफ होते, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपने निकाल दिए 27 नंबर्स, बट वो नीचे डायरेक्शंस में होते, ठीक है ना, प्लाईवुड जहाँ पे रहते ना उसमें कवर छोड़ते वो नीचे में रहते, बट ये बेंटअप क्या होता है, देखो बीम के ऊपर की तरफ जाता है ना, बेंटअप ऊपर से जाता है, तो इसको बेंटअप को होल्ड करने के लिए, बेंटअप को होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्रोवाइडेड एट टॉप, टॉप पे होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने निकाले 27 वो नीचे की तरफ होते, बट बेंटअप ऊपर जाके जा रहा है ना, ऊपर हो रहा है, कितना बेंटअप हो रहा है वो अपन ने निकाल दिया, उसके लेंथ भी निकाल दिया, बट ये ऊपर में होता है, तो इसको होल्ड करने के लिए वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स in order to hold the bent up, ठीक है ना, bent up जो length में bent up हो रहा है, जैसे यहाँ से bent up हो रहा है, अब उसका भी एक logical way है कि कितने bent ups के लिए distribution bars रहेंगे, अब वो actual निकालना है तो वो spacing से divide करके निकाल सकते हैं, but यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि bent up कितने space से bent कर रहा है, मतलब ये जो है ना distance slab के कितना छोड़ के आप bent up start कर रहे हैं वो नहीं बताया, अगर वो बताते होते तो अपन cover minus करके divided by spacing करके निकाल सकते थे, बट आप डायरेक्ट वे में आप क्या करो इसको एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइडेड ओवर बेंटअप, तो ऑन बोथ साइड्स वी विल अज्यूम एज 2+2, टू साइड्स ऑन लेफ्ट साइड बेंटअप एंड टू ऑन राइट साइड बेंटअप, दो बेंटअप आप तीन तीन भी कर सकते हैं बट टू इज द मिनिमम, तो टू लेफ्ट साइड के बेंटअप को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये अल्टरनेट रहता है, एक लेफ्ट होता राइट होता फिर लेफ्ट होता फिर राइट होता, तो लेफ्ट साइड के बेंटअप को होल्ड करने के लिए टॉप में दो प्रोवाइड हो रहे और राइट को बेंटअप को होल्ड करने के लिए दो प्रोवाइड हो रहे, ऐसा वी विल हैव एज डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा नंबर्स एज 4 नंबर्स, ठीक है,
समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, समझ में आया सबको? देयरफॉर मतलब सर ऊपर नीचे दे रहा हूँ। यस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में नीचे ही प्रोवाइड होता है, बट ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लास्ट स्टेटमेंट में, एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइडेड ओवर बेंट अप, मतलब बेंट अप को होल्ड करने के लिए, ओवर बेंट अप इन द सेंस होल्डिंग बेंट अप होना, यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइडिंग प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग बेंट अप, फॉर बेंट अप, फॉर होल्डिंग बेंट अप बोलो या फिर बेंट अप को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, फॉर होल्डिंग बेंट अप, दैट इज 2+2 फोर नंबर्स। अब एक्चुअल में 27 था, तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा फिर अब? यस यस 31 31 नंबर्स, ठीक है, रिवाइज नंबर्स हो गया 31 आ गया। समझ में आ रहा है सबको 27 31 कैसा हुआ? यस सर यस सर। बहुत थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन मोड्स के वजह से थोड़ा सा कैसा है कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, किसी ने साइट देखा होगा तो उसके लिए और ज्यादा कंसर्न आसान हो गया कि हाउ दिस एक्स्ट्रा टॉप इट हैज टू बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू होल्ड द बेंट अप, है ना, ये क्यों 2+2 ले रहे हैं, ये थोड़ा सा और कंसेप्ट अगर किसी ने साइट पे देखा होगा तो क्लियर होगा, है ना। और एक्चुअल में अगर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं कि कितने बेंट अप स्लैब को छोड़ के कितने में आ रहा है, कॉर्नर छोड़ के, तो वो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं था तो उसमें कंफ्यूज मत हो, तो डायरेक्टली 2+2 करके खत्म कर दो, उसका मतलब मैटर खत्म हो गया कि वी आर रेडिंग 2+2। अब एक्चुअल निकालना है तो फिर उसका डिस्टेंस मालूम करो कि भाई यहाँ से लेके ये कॉर्नर से लेके बेंट अप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर वो डिवाइड करो स्पेसिंग से, फिर वो होगा पॉइंट्स पे नंबर आएगा, फिर वो सारी चीजें होगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट 2+2 वी आर टेकन एज 4, दैट इज 27 प्लस 4 इज 31 नंबर्स। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल फाइंड आउट द थिंग्स, ठीक है ना। तो मैंने पहले ये जो फिगर है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ इट हैज बीन इन LX, सॉरी LY, LY तभी निकाले थे, LY की लेंथ कितनी थी बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ 6.714 मीटर्स, मैं यहाँ पे लिख गया डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके नंबर्स भी लिख देते हैं स्टेटमेंट में, लिख देते वैसे तो अपन कॉलम में लिखेंगे 31 नंबर्स, तो यहाँ पे लिख रहा है 31 नंबर्स। डायमीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है? यस 8 एमएम, 8 एमएम कितना है? 6.714, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना होगा? 6.714 मल्टीप्लाइड बाय 31 कितना आता है बताओ? यस कितना आएगा? 208.134। व्हाट इज वेट इन केजी पर मीटर, ये कांसेप्ट कैसा यूज किया था अपन ने, 5 स्क्वायर बाय 162, है ना, तो 5 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर बाय 162 कितना होता है बताओ? 0.395 0.394 ही ले लिया उसने, तो दिस इज जस्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस, 82.21 बराबर आ रहा है सबका, 82.21। यस यस सर। ओके, तो नेक्स्ट इज मेन बार्स, मेन बार्स इज एलएक्स, फिर लेंथ निकाले एलएक्स की मेन बार की कितना है देखो ऊपर में 3.592। यस, नंबर्स कितने हैं? नंबर्स कितने हैं? 56 नंबर्स, 56 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप 56 नंबर्स। डायमीटर कितना है? 10, ठीक है, लेंथ अभी लिए अपने 3.592। यस, टोटल लेंथ कितना होगा बताओ, दोनों मल्टीप्लाई करो 0.152 पॉइंट्स में थोड़ा सा वो डायरेक्ट आंसर ले ले रहा है।
तो दिस इज नथिंग बट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर्स, कितना आएगा 124.11। ठीक है, सबका आया 124.11। यस, सो इन दिस वे इन टुडेज लेक्चर्स वी हैव कवर्ड हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन अ वन वे स्लैब। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड वेदर वेदर वी आर हैविंग अ वन वे और टू वे स्लैब, के बाद फिर उसका लेंथ भी निकालो, उसके बाद फिर उसके नंबर्स निकालो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड करो 2+2 करके, ऐसा टोटल नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, अगेन द सेम टेबल इज बीन यूज्ड, सेम टेबल इट इज बीन यूज्ड, दैट मींस वी रिक्वायर 8 mm, जिसके बाज है 8 mm साइज के कितना केजीज लग रहा है 82.21, और 10 mm बाज के लिए लग रहा है 124.11 केजीज इन कास्टिंग अ स्लैब which is having a spacing of 120 and 130. ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हो गया सब, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो आज यहीं तक होगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्लैब, उसके बाद फिर फुटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है, एक्चुअल में ये हर टाइप के मेरे पास 4 से 5 प्रॉब्लम्स थे, बट अपने पास कैसा है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मतलब सॉल्व करके नहीं बता सकता है ना। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी देखे हैं, बस ये समझ के चलो कि इसी में थोड़ा सा प्लस माइनस होके वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटीज इन स्लैब। प्रोसीजर इज सेम, स्टेप्स आर सेम एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम होगा, सिर्फ डायमेंशन थोड़ा कम ज़्यादा होगा, कभी वन वे के बजाय टू वे बन जाएगा, है ना। टू वे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेट बार्स ये भी डायरेक्शंस में वही बार होगा अल्टरनेट बेंट अप। ठीक है, दैट मींस आप दोनों को भी मेन बार बोलेंगे, मगर एक रहेगा एलएक्स और एक रहेगा एलवाई, इंस्टेड ऑफ ये वर्ड जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर टू वे स्लैब होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं होगा, ये भी मेन रहेगा, ये भी मेन रहेगा, मगर डिस्टिंग्विश कैसा करेंगे कि कौन सा मेन यूज हो रहा कौन सा नहीं हो रहा, तो बाय एलएक्स एंड एलवाई। ठीक है ना, x और y directions पे आप distinguish करो कि कौन सा direction का main आप calculations में ले रहे हैं और कौन सा direction का main आप again next calculations में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हो सके तो next lectures में we will have the two-way slab also। ठीक है, तो here we will end this today's lectures। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है सर? slab में lapping भी आएगा ना? lapping length भी आएगा, मगर नॉर्मली क्या होता है स्लैब में भी इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव अ लैपिंग लेंथ। ठीक है ना, व्हाई, क्यों लैपिंग लेंथ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? बोलो, लैपिंग लेंथ क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते आप? लैपिंग लेंथ मतलब ओवरलैपिंग बोल रहे हैं ना आप? यस सर, ओवरलैपिंग। हाँ, ओवरलैप क्यों नहीं हो सकता है, मतलब स्लैब में क्यों नहीं देना है? स्लैब कैसा है कि सबसे ज्यादा जो रिस्की जो रहता है वो जो है, और लोड टेकिंग और जो स्ट्रेसेस है और डिफ्लेक्शंस है, ये सारे पॉइंट में जो है वो स्लैब जो रहता है, एक तो उसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे स्लैब में लोड ज्यादा होता है, थिकनेस कम होती है, इसलिए आप उसमें कैसा है कि लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड कर सकते, ओवरलैप करके मतलब स्टील प्रोवाइड नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देर इज अ चांसेस ऑफ डिफ्लेक्शन इन स्लैब। क्यों? क्योंकि लोड ज्यादा आता है उसके ऊपर, और थिकनेस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टील पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें क्या था, डिजाइन, ओके डिजाइनिंग है कंसेप्ट, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रेफरेबल टू यूज द लैप लेंथ, है ना, लैप वाले जो रहता है, ओवरलैप वाले जो स्टील है, इट इज नॉट प्रेफरेबल टू यूज ऑन स्लैब्स। फिर भी अगर कोई डालता है तो उसको बोलना है कि भाई पूरा बार ले, नया जो 12 मीटर्स का बार आता है उसको रिक्वायर्ड लेंथ में कट कर, और ये जो जो तुमने दो बार्स को जो ज्वाइन किए हैं बाइंडिंग वायर से, ये निकालना है और एक पूरा 12 मीटर्स का बार रिक्वायर्ड लेंथ में कट करके डालना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर, इज दैट क्लियर? हाँ, तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर्स दिस आर द माइनर थिंग्स, बहुत अच्छी चीज पूछी आपने, मगर दीज आर द माइनर थिंग्स टू बी चेक्ड ऑन साइट्स। कास्टिंग होने से पहले ये चेक करो कि कहाँ पे लैप हो रहा है ना, अगर लैप हो रहा है तो उसको बोलना भाई ये दोनों चीजें निकालो, दोनों जो लैपिंग लेंथ वाला जो था, अगर सपोज वो बीच में आ गया लैप लेंथ, तो और ज्यादा रिस्क हो जाएगा,
है ना, इनके बीच में ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, स्लैब के बीच में अगर लैप होता है कोई भी दो बार होते लैप एक दूसरे को, और उसका बाइंडिंग वायर अगर थोड़ा सा भी लूज हो गया तो क्या काम से फिर, है ना, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको लैप करना ही है तो इट इज द बेटर वे, इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग वायर्स वी हैव टू वेल्ड द टू बार्स। क्या करना पड़ेगा आपको, वेल्डिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग, ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अटेंडेंस बताओ 1 to 10। रोल नंबर 6, रोल नंबर 3 7 और 11 to 20 20 सर, रोल नंबर 12 20 और कोई सर, रोल नंबर 16 21 to 30 सर, 22 31 to 40 31 to 40